हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MY कंस्ट्रक्शन एंड टेक। बनाना है अच्छा मकान तो ज़रूरी है हाउस प्लान। हम आपके लिए फिर हाजिर हुए एक नया प्लान लेकर, जिसके साइज़ की बात करें तो ये 15 फिट बाई 27.5 फिट का ये प्लान है, जो हमने ग्राउंड फ्लोर अपने व्यूवर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है। ये टू साइड रोड प्लान है, प्लॉट है, जिसमें 14 फिट का फ्रंट रोड है एंड 12 फिट का एक इधर साइड में रोड है। ओके फ्रेंड्स, तो आओ देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया है। ये शॉप फ्रंट पर हमने दी है 14 फिट 2 इंच बाई 10 फिट, 14 फिट 2 इंच बाई 10 फिट की शॉप है, जिसमें 2 शटर रहेंगे। शटर के साइज़ की बात करें तो 13 फिट का ये शटर इधर फ्रंट पर रहेगा एंड 8 फिट का शटर गली साइड में रहेगा। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद हमारी मेन एंट्रेंस होती है मेन गेट से। मेन गेट की बात करें तो 8 फिट चौड़ा ये मेन गेट है, यहाँ पर हमारा मेन गेट लग जाएगा। यहीं से हमारी एंट्री रहेगी कार पार्किंग की। कार पार्किंग के स्पेस की बात करें तो 14 फिट 2 इंच बाई 8 फिट 6 इंच का ये कार पार्किंग स्पेस है, जहाँ पे हम यहाँ कार पार्क कर सकते हैं। यहीं से हमारी एंट्री होती है कॉमन टॉयलेट के लिए। कॉमन टॉयलेट की बात करें तो 4 बाई 7 का ये कॉमन टॉयलेट है, जिसमें 2.5 फिट का प्लेटफॉर्म बनाकर इंडियन WC लगा सकते हैं। इसके वेंटिलेशन की बात करें तो ये 2 बाई 2 का एक वेंटिलेटर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा एंड सफोकेशन नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं से हमारी एंट्री होती है 3 फिट वाइड गेट से स्टेयरकेस के लिए। स्टेयरकेस की बात करें तो 3.5 फिट चौड़ा स्टेयरकेस है, यहाँ से हमारी फर्स्ट लैंडिंग रहेगी। लैंडिंग से ये हमारा चौकी रहेगी फर्स्ट एंड उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर। चौकी के नीचे हम गेट लगा सकते हैं, जिसके साइज़ की बात करें तो 5 बाई 7 का ये गेट रहेगा, तो 7 फिट हमारी ऊंची लैंडिंग रहेगी, तो यहाँ पर हम अपनी एक बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 6 फिट 4 इंच बाई 7 फिट की एक विंडो दी है, तो यहाँ से इसके लिए रोशनी वगैरह आती रहेगी, एंटर करती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर के बाद आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है फर्स्ट फ्लोर पर। ओके फ्रेंड, स्टेयरकेस से और ये लॉबी में आ गए। लॉबी के अंदर जो साइज़ दिया हमने 7 फिट 9 इंच बाई 8.5 फिट का, तो ये काफ़ी सफिशेंट साइज़ है प्लॉट के साइज़ के हिसाब से। एंड यहीं से हमारी एंट्री होती है किचन के अंदर। किचन के साइज़ की बात करें तो 6 बाई 8.5 का किचन है, जिसमें 2 फिट चौड़ी हमने एक स्लेब बनाई है, तो यहीं हमारा गैस स्टोव रहेगा। इसके बराबर में यहाँ सिंक रहेगा और सामने हमने 4 बाई 4 की एक विंडो दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा एंड जो भी हॉट एयर वगैरह रहेगी वो बाहर होती रहेगी एंड नेचुरल लाइट एंटर करती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, यहीं से हमारी एंट्री होती है बेडरूम के अंदर। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 12 फिट 2 इंच बाई 10 फिट का बेडरूम है, जिसमें डबल बेड यहाँ हमने सेट किया है, यहाँ TV सेट करेंगे। ओके फ्रेंड, एंड 5 बाई 4 की एक विंडो दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, नेचुरल एयर एंड लाइट एंटर करती रहेगी। एंड यहीं से हमने 3 फिट का एक गेट दिया है, तो ये हम बालकनी में आ सकते हैं। बालकनी के साइज़ की बात करें 3 फिट चौड़ी एक बालकनी है, दोनों एल शेप में, तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आएगा एलिवेशन में। हम इसका एलिवेशन भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे जल्दी से जल्दी, इसके 3D में और कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको हो सकता है कि इससे हेल्प मिल जाए काफ़ी। और इस तरीके के प्लान अगर आपको बनवाने हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करेंगे। 4 बाई 7 का ये टॉयलेट दिया है इसके अंदर कॉमन, तो यहाँ से 2 बाई 2 का एक वेंटिलेटर दिया है, ताकि यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहे और काफ़ी सुकून रहेगा घर के अंदर। वेल वेंटिलेटेड हमने हाउस डिज़ाइन किया है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आप आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।